राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है कि राजस्थान कांग्रेस में लगातार सचिन पायलट के अपमान के बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि अब सचिन पायलट को अपना बयान दे देना चाहिए और सचिन पायलट को कांग्रेस आला कमान को अपनी ताकत दिखा देनी चाहिए और समर्थकों को भी लगातार यही मांग है कि सचिन पायलट को राजस्थान में अपना तीसरा मोर्चा खड़ा कर देना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। राजस्थान में युवाओं के बीच सचिन पायलट का क्रेज है और सचिन पायलट यदि अपना तीसरा मोर्चा बनाते हैं तो काफी हद तक इसमें कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन राजस्थान में इतिहास रहा है कि तीसरा मोर्चा कभी सफल नहीं हो पाया है। चाहे बेनीवाल का हो चाहे किरोड़ी लाल मीणा का, तीसरा मोर्चा राजस्थान में अभी तक सफल नहीं हो पाया है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि सचिन पायलट के पास जाट और एससी एसटी वोटों का समीकरण भी है जो मिलकर तीसरे मोर्चे का निर्माण राजस्थान में ताकत से करेंगे, लेकिन सचिन पायलट के लिए इसमें बहुत सारी समस्याएं आएगी जिसमें सबसे पहली और प्रमुख भी है वो है धन यानी कि पैसा, क्योंकि राजस्थान में अपनी पार्टी को ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक खड़ी करने के लिए बहुत सारे पैसों की भी जरूरत पड़ती है। जैसा कि सचिन पायलट के पास ऐसा कोई फाउंडर नहीं है जो कि सचिन पायलट को इतने पैसे देकर राजस्थान में तीसरा मोर्चा खड़ा करके मेहनत कर सके, और यदि ऐसा अगर हो भी जाता है तो सचिन पायलट राजस्थान में अपना तीसरा मोर्चा निर्माण कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत है कि अब राजस्थान में सिर्फ 2 साल ही बचे हैं विधानसभा चुनाव में, और हर एक विधानसभा चुनाव में घुसना बहुत ही मुश्किल है सचिन पायलट के लिए, और हर विधानसभा में खुद का अपना नेता तैयार करना जो कि चुनाव लड़ने के लिए सक्षम हो, ऐसा करने के लिए सचिन पायलट को तीसरा मोर्चा खड़ा करने के लिए भी दिक्कत आ रही है। लेकिन लगातार सचिन पायलट समर्थकों की मांग है कि हम खुद बनाएंगे तीसरे मोर्चे की सरकार, आप ऐलान तो करिए सचिन पायलट जी, लेकिन अपनी एकता दिलचस्प होगा कि सचिन पायलट क्या तीसरे मोर्चे का ऐलान करते हैं या कांग्रेस में ही रहकर उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी अब जल्द ही दी जाती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।